हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट बुक सब्जेक्ट इंग्लिश, वो क्लास 8th। बच्चों, ये आपके प्रोजेक्ट वर्क हैं। आपको इसे यहाँ पर, इसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क कार्ड दिए हुए हैं। ये देखिए, इंग्लिश का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर ये क्लास 8th का है। ये सारे प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। इनमें से आप जो भी आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, कोई भी 5 प्रोजेक्ट अपनी प्रोजेक्ट कॉपी में आप लिख सकते हैं। इसी से देखकर, इसी कॉपी में लिखना है आपको। ये देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क फर्स्ट है। देखिए किस तरह से आप इसे पॉज भी कर करके इसी में से भी आप लिख सकते हैं। इस वीडियो से आप प्रोजेक्ट वर्क पूरा कर सकते हैं। देखिए इसमें किसके बारे में दिया हुआ है। ये काना किसली, जो हमारा लेसन फर्स्ट है, उसी का प्रोजेक्ट है, नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो ये देखिए, एनिमल्स जो जो वहाँ एनिमल्स देखे गए है ना, उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। ये देखिए, स्लॉथ बियर का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें, उसके बारे में सारी जानकारी दी हुई है। फिर ये एंटेलोप के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। इसके बाद हम देखें तो ये देखिए, बर्ड्स के बारे में भी पूरी जानकारी, ये वाली देखिए, पिंटेल के पूरी जानकारी दी हुई है। ये एक बर्ड है, यहाँ भी दिया हुआ है। हेरोन के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। और ये देखिए, प्रोजेक्ट सेकंड आप देखिए, यहाँ पर एक स्टोरी दी है, लॉयन द लॉयन एंड द माउस, इसकी स्टोरी दी हुई है। और यहाँ सारा की सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आपको एज इट इज आपकी इस कॉपी में लिखना है आगे। यहाँ देखिए, थर्ड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नंबर थर्ड, इसमें क्या दिया है, फाइंड द आंसर क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द लेसन फोर। लेसन फोर में जो आंसर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उसे आपको इसमें लिखना है। जैसे ये देखिए, द ट्री, तो लेसन नंबर फोर है, ट्रीज आवर सेवियर। इसके बारे में यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये सारे आपको आपकी कॉपी में लिखना है। ये देखिए, पूरी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप इसमें जिसे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन, तो आपको ये पूरा लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन और रेफरेंस, ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी। बच्चों नेक्स्ट हम देखें, प्रोजेक्ट नंबर फोर जो है, ये इस प्रकार से है। देखिए इसमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू टेल मोर अबाउट फ्लड, है ना। हमें किसके बारे में बात करनी है, बाढ़ के बारे में बात करनी है या बताना है। प्रेजेंटेशन कॉज ऑफ, कॉजेस ऑफ फ्लड, फ्लड के कारण क्या है, उसके लिए बताना है आपको। फिर यहाँ पर ये फ्लड्स की पूरी जानकारी यहाँ पर कितने पॉइंट्स में, 5 पॉइंट्स में दी हुई है। एंड यहाँ पर कंक्लूजन दिया हुआ और ये रेफरेंस दिया हुआ है। प्रोजेक्ट नंबर फिफ्थ देखें हम, तो यहाँ देखिए ये पूरा दिया हुआ है और किसके बारे में है, तो हार्ट या मार्केट के बारे में प्रेजेंटेशन है कि हार्ट और मार्केट किस तरह से रहता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स मोर अबाउट हार्ट एंड मार्केट। स्टूडेंट्स को किसके बारे में जानकारी दी जाएगी, आपको हार्ट, आप सभी गए होंगे हार्ट में, मम्मी के साथ, पापा के साथ, है ना। तो हार्ट में क्या क्या चीजें हम देखते हैं और हमें किस तरह से हार्ट में परचेसिंग की जाती है, या वहाँ पर किस तरह से दुकानें या शॉप लगती हैं, कितने टाइम तक लगती है, हार्ट कितने दिन का रहता है, ये सारी डिटेल्स आप अपने मन से भी डिटेल्स इसमें दे सकते हैं। मतलब आप अपना सेल्फ डिटेल्स भी आप दे सकते हैं, आपने भी हार्ट का जो आपको एक्सपीरियंस है, आप उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। देन अगेन कंक्लूजन एंड रेफरेंस, कहाँ से लिया है आपने, तो आपने यहाँ पर इंटरनेट लिया हुआ है, तो यहाँ रेफरेंस में आप सेल्फ भी लिख सकते हैं कि भाई हमें सेल्फ अनुभव जो हमारा है, तो सेल्फ एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देन अब नेक्स्ट हम देखें, ये देखिए आपको ये यहाँ पर दिए हुए हैं और इनमें से आप कोई 5ों यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है। ये इस तरह से कॉपी है, आपको इस कॉपी को पूरी फुलफिल करके प्रोजेक्ट के लिए देना है। ठीक, ये है आपका प्रोजेक्ट इंग्लिश का। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी जानकारी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।